हेलो फ्रेंड, हाउ टू हार इसे चैनल में आपका स्वागत है। सैमसंग का E7 मॉडल नंबर है, उसका E750F, E750F इसका मॉडल नंबर है। इसमें क्या है, फ़ोन रिसेट किया है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। पहले तो फ़ोन को वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड से आगे नहीं जाता तो क्या करना है, आपको होम स्क्रीन में आ जाना है। दो उंगली से आपको ऐसे होल्ड करके रखना है। दो उंगली से काम नहीं करता तो अभी एक मेथड से हम ट्राई करेंगे। हो गया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये सब ऑप्शन आया है तो उससे काम नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, सिम कार्ड वाला मेथड हम ट्राई करेंगे। अब इसमें सिम कार्ड हम इस्तेमाल करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ क्या करना है, जैसे ही पासवर्ड डालना है ओके पे क्लिक करना है। ओके और पावर बटन दोनों साथ में दबाना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ, अपना पासवर्ड है 1234। ओके और पावर बटन वापस दबाना है। यहाँ पे नॉट साइनिंग ऑप्शन आएगा तो आपको ड्रैग करना है, कैंसिल, ऐसे लेफ्ट। फिर ये नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, नोटिफिकेशन सेटिंग में जाना है। फिर यहाँ पे आपको एडवांस में जाना है। कॉल एप्स ही सही है, नीचे आना है, यूट्यूब पे क्लिक करना है, नीचे आना है, इन ऐप नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, अबाउट, यूट्यूब टर्म्स एंड पॉलिसी पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नो थैंक्स। यहाँ पे आपको लिंक टाइप करना है, bit.ly/FRPAP। ये लिंक को टाइप करना है, गो पे क्लिक करना है। नीचे यहाँ पे इंग्लिश गुजराती पे बंद कर देना है। नीचे आना है आपको,
फिर गूगल अकाउंट मैनेजर इट डाउनलोड करना है, कंटिन्यू, अलाउ, डाउनलोड। जैसे ही डाउनलोड होगा ओपन ऑप्शन आएगा, ओपन पे क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है, अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स एनेबल करना है, बैक, इंस्टॉल, डन पे क्लिक करना है। फिर आपको साइन इन, जीमेल साइन इन, FRP बाईपास एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ओके, ओपन, इंस्टॉल। ओपन पे क्लिक करना है, तीन डॉट पे क्लिक करके ब्राउज साइन इन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कोई भी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना है, इसमें जीमेल वाली आईडी और पासवर्ड चलेगा। आईडी पासवर्ड डाल के आपको साइन इन करना है। फिर आपको फोन को रिस्टार्ट कर देना है, रिबूट कर देना है। यहाँ पे हम सिम कार्ड निकाल देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको नॉर्मल चालू कर देना है। फिर बाद में सेटिंग में जाके क्लाउड एंड अकाउंट में जाना है, अकाउंट्स पे क्लिक करना है, अपना आईडी डिलीट कर देना है। अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, तो आप इस मेथड से आप FRP लॉक रिमूव कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाजू में जो बेल आइकन उसको दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।